ఇటీవల సార్వత్రిక ఎన్నికలలో భారీ ఎత్తున అవకతవకలు జరిగాయని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపించింది ఎన్నికల సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్నికల సంఘం తొలుత ప్రకటించిన ఓట్ల శాతం కంటే తుది ఓటింగ్ పన్నెండున్నర శాతం పెరగటం పట్ల పార్టీ నేత సందీప్ దీక్షిత్ విస్మయం వ్యక్తం చేశారు ఓట్ ఫర్ డెమాక్రసీ అనే సంస్థ నివేదికను ఓటంకిస్తూ ఆయన పలు ఆరోపణలు చేశారు ఎన్నికల సమయంలో ఈసీ ప్రకటించే లెక్కలకు తుది ఓటింగ్ శాతానికి మధ్య భారీగా తేడా ఉంది అన్నారు आंध्र प्रदेश में यह नंबर साढ़े बारह परसेंट है उसी तरीके से साढ़े बारह परसेंट उड़ीसा में वोट बढ़ जाता है अब कोइंसिडेंस है कि आंध्र प्रदेश में उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन ने अच्छा किया अब यह महज कंसिडेंस है कि नहीं ये बात भी आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ देता हूं तो जब मैनुअल के जमाने में इतनी तर, इतनी हाई तरीके की एक्यूरेसी हुआ करती थी इलेक्ट्रॉनिक जमाने में जो जाना जाता है अपनी एक्यूरेसी के लिए इतना ज्यादा अंतर हो जाए कुछ राज्यों में बारह बारह पंद्रह पंद्रह परसेंट का अंतर हो जाए ये अपने में पूरी की पूरी इलेक्शन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है इस बात से बिल्कुल विरोध में आता है कि जब प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि देश पूरा डिजिटल इंडिया हो गया है हर चीज की खबर मेरे पास आती रहती है कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां फाइव जी फोर जी नहीं चल रहा है तो जब हम इतनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं तो इतना बड़ा अंतर क्यों आता है पहले गुरु थे या गुरु हो गए हैं तब एक परसेंट से छह परसेंट हम लोग और नीचे गिर जाते हैं ये सवाल न केवल इलेक्शन कमीशन पर पड़ता है बल्कि पूरी प्रक्रिया पे पड़ता है और दुर्भाग्य की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने बार बार जब उनको इन आंकड़ों को उनके सामने रखा गया पूरी ये जो वोट बढ़े थे इसमें शायद अगर कोई धांधली हुई है तो ये मान लीजिए कि नवासी सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी इस मैनिपुलेशन से जीती है चलो मान लेते नवासी नहीं ये मान लेते हैं कि साढ़े छह परसेंट नहीं एक परसेंट तो नॉर्मल होता था तो उसको आप छे परसेंट मान लीजिए साढ़े पांच परसेंट मान लीजिए पांच परसेंट मान लीजिए तब भी पचपन से साठ सीटें ऐसी हैं जिस पर संदेह का एक सवाल खड़ा होता है अगर आप पचास पचपन सीटें इसमें भारतीय जनता पार्टी की कम कर देते हैं और उनकी विरोधियों पार्टी की बढ़ा देते हैं तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उसके बाद जब चार तारीख के बाद शपथ ली गई हो ली जाती तो किस दल का या किस समूह का इंसान जो है प्रधानमंत्री बनता